नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन सिंह नेगी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल टूर गाइड विद नेगी जी में। आज के हमारे इस वीडियो में हम जानेंगे गुजरात के खूबसूरत शहर सूरत के टॉप 10 टूरिस्ट प्लेसेस को, साथ में जानेंगे कि यहां घूमने का बेस्ट टाइम कौन सा है और कैसे यहां तक पहुंच सकते हैं। सूरत को यहां मौजूद फ्लाईओवर्स और हीरो के लिए जाना जाता है। सूरत दुनिया का वो स्थान है जहां विश्व के 90% हीरे पॉलिश किए जाते हैं। ये शहर ऐतिहासिक समय से ही काफी प्रसिद्ध रहा है। परिवार और दोस्तों के साथ घूमने के लिए यहां कई सारे स्थान हैं। तो चलिए एक एक करके जानते हैं सूरत के टॉप 10 टूरिस्ट प्लेसेस को। तो इसमें पहले नंबर पर आता है डुमास बीच। डुमास बीच एक शानदार समुद्री बीच है जो कि सूरत से 21 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये गुजरात राज्य की एक फेमस जगह है। इस बीच पर आपको लोग अक्सर परिवार या दोस्तों के साथ घूमते फिरते नजर आ जाएंगे। यहाँ आप समुद्र किनारे पानी और रेत के खेलों का मजा ले सकते हैं, साथ में यहाँ बिकने वाले स्वादिष्ट गुजराती भोजन का भी मजा ले सकते हैं। अगर आप यहाँ पीक आवर्स में आते हैं तो घोड़े और ऊँट की सवारी का भी मजा ले सकते हैं। इसके बाद अगले स्थान पर आता है जगदीश चंद्र बोस एक्वेरियम। जगदीश चंद्र बोस एक्वेरियम सूरत का एक बेहतरीन पर्यटक स्थल है जो कि बच्चों को काफ़ी पसंद आता है। यहाँ पर एक विशाल मछलीघर है जो कि भारत में अपनी तरह का पहला मछलीघर है। यहाँ मछलियों की 100 से ज़्यादा प्रजातियाँ भी रखी हुई हैं। प्रकृति प्रेमियों के लिए ये एक बहुत ही अच्छी जगह है। इसके बाद अगले स्थान पर आता है हजीरा विलेज। अरब सागर के किनारे बसा हुआ हजीरा एक खूबसूरत जगह है। ये जगह अपने बीचेस और पोर्ट के लिए फेमस है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ गर्म पानी के झरने भी हैं जो पर्यटकों को सबसे ज़्यादा आकर्षित करते हैं। ये जगह स्थानीय और विदेशी सभी पर्यटकों को पसंद आती है। यहाँ आप रेत पर बैठकर समुद्र के किनारे खूबसूरत नज़ारे देख सकते हैं। इसके बाद अगले स्थान पर आता है सुवाली बीच। सुवाली बीच सूरत से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक खूबसूरत बीच है। ये बीच धीरे धीरे टूरिस्ट प्लेस के रूप में विकसित होता जा रहा है। ये काली रेत का बीच है जो मीलों तक फैला है। यहाँ शाम के समय काफ़ी लोग आपको टहलते हुए नजर आ जाएंगे। इस बीच पर कम ही भीड़ रहती है तो शांति में समुद्र के किनारे बैठने के लिए ये एक अच्छी जगह है। इसके बाद अगले स्थान पर आता है डच गार्डन। डच गार्डन सूरत शहर के ऐतिहासिक स्थलों में एक है। यहाँ पर उन ब्रिटिश और डच अधिकारियों की कब्रें भी हैं जो सूरत शहर में अपने व्यापारिक उद्यमों के लिए बस गए थे। ये गार्डन शहर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर कटारगाम गेट के पास में स्थित है। ये एक काफ़ी खूबसूरत गार्डन है जहाँ पर लोग घूमने के लिए आते हैं। इसके बाद अगले स्थान पर आता है साइंस सेंटर। सूरत शहर का साइंस सेंटर साइंस और टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट रखने वाले लोगों के लिए एक अच्छी जगह है। यहाँ पर फन साइंस गैलरी भी है जहाँ पर विज्ञान के सिद्धांतों को मज़ेदार ढंग से समझाया गया है। बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी जगह है। यहाँ आप ब्रह्मांड के सितारों, चंद्रमा और ग्रहों के बारे में जान सकते हैं। इसके बाद अगले स्थान पर आता है दांडी। सूरत शहर में स्थित दांडी अपने ऐतिहासिक महत्व के लिए एक प्रसिद्ध समुद्री तट है। ये जगह अपने इतिहास के साथ साथ प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी पर्यटकों को पसंद आती है। ये जगह वीकेंड में समय बिताने के लिए एक अच्छी जगह है। इसके बाद अगले स्थान पर आता है तीथल बीच। ये बीच भी सूरत का एक प्रसिद्ध बीच है। यहाँ आप कई प्रकार के वाटर स्पोर्ट्स, ऊँट और घोड़े की सवारी का मजा ले सकते हैं। ये जगह बच्चों और बड़ों सभी के लिए बेहतरीन जगह है। इसके अलावा यहाँ 3 मंदिर भी हैं, स्वामीनारायण मंदिर, साईं बाबा मंदिर और विष्णु मंदिर। इन मंदिरों का स्थानीय लोगों के लिए बहुत धार्मिक महत्व है। इसके बाद अगले स्थान पर आता है सूरत कैसल। सूरत कैसल को पुराना किला के नाम से भी जाना जाता है जो कि सूरत के सबसे अच्छे पर्यटक स्थलों में से एक है। ये गुजरात सल्तनत के फिरोजन तुबलक के आधार पर बनाया गया था। इस किले का मुख्य उद्देश्य पुर्तगालियों के खिलाफ सुरक्षा करना था। ये ऐतिहासिक किला अब सूरत के सबसे फेमस ऐतिहासिक स्मारकों में से एक है। इसके बाद अगले स्थान पर आता है इस्कॉन टेम्पल। इस्कॉन टेम्पल सूरत के सबसे प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों में से एक है। ये मंदिर अपने खूबसूरत डिजाइन और विशालता के कारण काफी जाना जाता है।
ये मंदिर जहारीपुरा आश्रम रोड के पास में स्थित है। भगवान कृष्ण के भक्तों की यहाँ पर गहरी आस्था है। तो यह है सूरत के टॉप 10 टूरिस्ट प्लेसेस। और अब जानते हैं कि सूरत में घूमने का बेस्ट टाइम कौन सा रहता है। तो सूरत में घूमने का जो बेस्ट टाइम रहता है वो रहता है अक्टूबर से मार्च तक का, जिस समय सर्दी होती है, क्योंकि गर्मियों के समय में यहाँ का टेम्परेचर 40 से 42 डिग्री तक पहुँच जाता है, जिस कारण यहाँ पे घूमने में काफ़ी दिक्कतें हो सकती हैं। और अगर आप अक्टूबर से मार्च के समय में आते हैं तो ये मौसम काफ़ी सुहाना रहता है। अब अगर बात की जाए कि यहाँ तक पहुँचे कैसे, तो सूरत गुजरात का एक प्रमुख शहर है। यहाँ के लिए हवाई जहाज़, बस और ट्रेन तीनों की ही सुविधा उपलब्ध है। आप तीनों ही तरीकों से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो इस तरह से आप घूम सकते हैं सूरत के खूबसूरत स्थानों पर। हमारा आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम अपने इस चैनल पर ऐसी ही जानकारियाँ देते रहते हैं। इसके बाद हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।